वेलकम टू माई चैनल फेयर इलेक्ट्रो। आज मैं एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही यूज़फुल है। काफ़ी लोगों की आदत होती है कि पानी वाली मोटर चला के भूल जाते हैं, उसके बाद टैंकी ओवरफ्लो हो जाती है और पानी गिरता रहता है। इस चीज़ से बचने के लिए ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है। इसमें जब भी आपकी टैंकी ओवरफ्लो होगी तो आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली एक कॉल आ जाएगी। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए आपको, उसमें सबसे पहले एक मोबाइल फ़ोन है, एक 12 वोल्ट का रिले चाहिए होगा, एक BD139 ट्रांजिस्टर, एक 2.2K का रेजिस्टर, कुछ वायर्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले BD139 ट्रांजिस्टर के साथ पिन नंबर 3 पे रेजिस्टर कनेक्ट कर लें, उसके बाद पिन नंबर 2 पे रिले की नेगेटिव पिन कनेक्ट कर लें, उसके बाद रिले के पॉजिटिव पॉइंट पे पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर लें, ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 पे नेगेटिव वायर कनेक्ट कर लें, एक वायर रेजिस्टर के ऊपर कनेक्ट करें जो कि वाटर टैंक में जाएगी, एक और वायर पॉजिटिव रिले के पॉइंट पे कनेक्ट करें, ये भी वाटर टैंक में जाएगी। ये दोनों वायर्स उस लेवल पे सेट करनी है जिस पे पहुंचने के बाद आपको कॉल आएगी। मोबाइल को ऑन करें, वन को प्रेस करके रखें, सामने आपको वॉइस मेल नज़र आएगा, उसमें एक नंबर सेट करें। ये वो नंबर सेट करना है जिस पे आपको कॉल आए। मोबाइल ओपन करें, उसके बाद कीपैड को ओपन करें। कीपैड में जो वन का बटन है उसको रिमूव कर दें कीपैड से। वन के बटन पे दो वायर्स को सोल्ड करें, अब मोबाइल को दोबारा से बंद कर दें। मोबाइल ऑन कर लें, ये बटन की जो दोनों वायर्स हैं इनको कनेक्ट करना है, एक को रिले के कॉम पॉइंट के साथ और एक को ऑन पॉइंट के साथ। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। इसको 12 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट करें। अब टेस्ट करते हैं। मैंने एक पानी का ग्लास लिया है, इसमें दोनों वायर्स को डिप करेंगे आप तो आपको नज़र आएगा कि आपके नंबर पे कॉल आना शुरू हो जाएगी।
दोबारा चेक कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए।